नमस्कार, आज हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना। अब देखो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, वर्ग और उस पर क्या उसकी स्पर्श रेखाएं और त्रिभुज उसके परिघ और अंतर्गत वर्ग खींचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेखाखंड का विभाजन। रेखाखंड का विभाजन कैसे करते हैं, इसमें क्या होगा, इस प्रकार के सवालों में क्या होता है, आपको एक रेखाखंड दिया होगा जैसे मान लो 6.5 से मिले लिया, फिर कह देगा इसको 2 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 3 इस प्रकार का सवाल होगा। वैसे हम कहते हैं कि मान लिया आपको दे दिया कोई रेखाखंड है, मान लिया उसका नाम क्या है, AB है, जो आपको 6.5 से मी दिया हुआ है। फिर कहा कि इस रेखाखंड को आप क्या करो 3 अनुपात 4 में विभाजित कीजिए। देखो रेखाखंड AB को कोई भी रेखाखंड होता है उसे आज जो आपको अनुपात दिया उसको उस अनुपात में बांटने के लिए दो तरीके होते हैं। देखो कैसे करते हैं, दोनों कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको रेखाखंड दिया हुआ है उतने से भी क्या करोगे, स्केल की सहायता से क्या करोगे, रेखाखंड खींच लोगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना आपको, जो आप नाम देना, जो नहीं दिया तो भी आप नाम दे दो, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे A और यहाँ दे दिया इसको B दे दिया, ठीक है। फिर देखो उसके बाद देखो आप क्या करो, अनुपातों का योग करो, अनुपातों का योग इतना आ रहा है 5 से 7 आ रहा है। फिर आप क्या करो स्केल की सहायता से आप क्या करो कि जो आपके रेखाखंड है जैसे मान लो यहां पे कोण है ए बी के साथ नीचे की तरफ क्या करो न्यून कोण बनाता हुआ एक क्या करो रेखाखंड खींच दो। अब न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, 90 से छोटा। आप क्या करना हमेशा ध्यान रखना, आपका सवाल अच्छा तभी होगा आप क्या करो 30 35 40 इसके साथ कर दो, यानी 45 से कम ही लो, अच्छा रहेगा आपका सवाल। जैसे आपने क्या किया स्केल की सहायता से आपने ऐसे यू रेखाखंड खींच दिया, ऐसे आपने इसको नाम दे दिया AS दे दिया, ये हमारा काम था। सभी में ऐसे ही करना है, सबसे पहले जो आपको रेखाखंड दिया हुआ है उसे क्या करना आपको खींचना है, जैसे 6.5 दिया तो 6.5 से मैंने क्या किया AB खींच ली, उसके बाद स्केल की सहायता से क्या हो मैं नीचे एक रेखा खींच लिए। फिर उसके बाद देखो आप क्या करोगे अनुपातों का योग देखोगे, यहां अनुपातों का योग कितना है 7, तो आप क्या करोगे अपनी मर्जी से प्रकार से कितने चाहते हो गए 7 लगाने, आप लगभग क्या हो 1.5 सेमी बोल के प्रकार की सहायता से क्या करोगे 4 लगाओगे। देखो अब मेरे पास तो प्रकार नहीं है ना ही यहाँ पे चौक है, तो आप अगर मान लो प्रकार हो गया आपकी, आपने क्या किया ऐसे बोला और आपने क्या किया 4 लगाना स्टार्ट किए 1 2 फिर 3 ऐसे क्या करते हो आप लगाते जाओगे 1 2 उसके बाद लगा 3 उसके बाद 4 उसके बाद 5 और 6 और ये हो गया आपके पास 7, उतने चाप लगाने हैं जितने आपके पास क्या हो अनुपातों का योग हो जाए। फिर इसको नाम दिया मैंने A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7, आपको ये काम करना है सबसे पहले, है ना। उसके बाद देखो आप अंतिम चाप को क्या करो रेखाखंड के दूसरे बिंदु से मिला दो, इसको ऐसे मिला लिया, ठीक है, आपने इसको इससे मिला लिया। फिर देखो आपका पहला अनुपात है कौन है 3, यानी कि A3 पे वही कोण बनाना है जो A7 पर है और आपका सवाल है हो जाएगा। कहने का मतलब युवा कि अभी आपके पास BA7 के समांतर A3 से गुजरने वाली रेखा खींचनी है। अब जब मालूम होगा आपको सवाल कर चुके होंगे लाइफ में कि किसी रेखा के समांतर रेखा कैसे खींचते हैं, और समांतर तभी होगी जब क्या बने या संगत कोण बने या फिर क्या बने एकांतर कोण बने। अब देखो ये वाला कोण यहां पे कोण सेम बने तो क्या बन जाएगा संगत कोण बन जाएगा। हमें क्या करना है कि BA7 के समांतर A3 से गुजरने वाली रेखा खींचनी है। अब उसको खींचने का तरीका कैसे होता है कि आप वही काम प्रकार करोगे थोड़ी सी और यहां रखोगे और क्या करोगे आप यहां से चाप लगाओगे, जब चाप लगाओगे आपका चाप मामा ऐसे बन गया। उसी प्रकार विधान में जितनी प्रकार पहले थी उसी प्रकार से क्या करोगे वापिस A3 पे रखोगे और क्या करोगे चाप लगाओगे, ऐसे लगा दिया आपने चाप, ठीक है। फिर क्या करोगे इस चाप की लंबाई को नापोगे, इस चाप की लंबाई को नापोगे आप, इस चाप की लंबाई को नापोगे कैसे नापोगे यूं रखे जैसे आपने क्या प्रकार खोल दिया ना उतना खोलोगे ऐसे खोलोगे प्रकार,
और यहां पे रखोगे और यहां पे आगे में चाप है लगा दोगे, ऐसे चाप मान लो लग गया। अब देखो ये बिंदु आया, इस बिंदु को क्या करो ए थ्री से मिला दो, ए थ्री से मिला दो। अब आपके पास यहां जो बिंदु आने वाला है पी, ये क्या करेगा अपने आप इसको 3:4 में विभाजित कर दे। और आपको देखो सवाल मालूम होना चाहिए, ये रेखा और ये रेखा क्या होनी चाहिए, आपको लगनी चाहिए लोग क्या है समांतर लगनी चाहिए। तो इस सवाल वाला आप कह सकते हो कि आपका सवाल है सही दिशा में जा रहा था। अब ये तो थोड़ा पहला तरीका, इसको एक करने का एक तरीका और भी है, जैसे इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपने सवाल के लिए ये कर दिया और 6.5 आपने ये खींच दिया, इसको नाम दिया ए और बी। फिर वही काम न्यून को बनाते हुए आप क्या करोगे, रेखा खींचोगे, इसको नाम दिया आपने एक्स दे दिया। फिर क्या हुआ, यहां भी आपको ऊपर की तरफ रेखाखंड खींचना है, लेकिन जो कोण ए एक्स ए बी के साथ बना रही है वही कोण क्या होना चाहिए यहां पढ़ना चाहिए, ये कोण इस कोण के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ये रेखा इसके क्या होना चाहिए समांतर होनी चाहिए। तरीका वही क्या करो, आप प्रकार खोलो अपने मन से, क्या करो प्रकार खोलिए आपने से, यहाँ पे कोई चाप लगाया आपने, ऐसे चाप लग जाएगा आपके पास ऐसे, है ना, आपने प्रकार खोल के चाप लगा दिया। फिर इसी प्रकार से क्या करना आपको, इतनी प्रकार खोले बनाए और यहां पे रखना होगा, क्या करना आपको चापे लगाना है, ऐसे चाप लगाओगे तो आपके पास ऐसे चापे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करो, इस चाप की लंबाई को नापो, ऐसे नाप के यहां रखोगे और चापे लगाओगे ऐसे, तो यहां पे आपके पास बिंदु आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा यहां पर बिंदु, कहां रखना आपको यहां पर रखे चाप रखना है। फिर इन दोनों को आपने क्या करो मिला दो, ऐसे आप इसको मिला दो, ठीक है, ये मिला दिया, ये हमारा काम था इतना, इसको नाम दिया बी वाई दे दिया। अब देखो यहां कितने तीन और यहां कितना आपके पास है चार है, यानी कि इस तरफ कितना होना चाहिए तीन, उस तरफ कितना चाहिए चार, तो पहले वाले में क्या लगाओ तीन चार, और यहां वाले में क्या लगा दो चार, चार लगा दो, लेकिन चार सभी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, आप वही काम प्रकार खोली और उसके बाद चाप लगाना शुरू कर दिया, जिसे मान लो यहां रखा आपने एक, फिर यहां उसके बाद दो और यहां रखा आपने तीन हो गए। इसी प्रकार से आपने चाप लगाए चार, चला गया एक फिर दो तीन और ये हमारा आगे चला गया, तो आपने आगे कर दो इसको ऐसे, यहां मान लो इसे लगा दिया आपने चाप ऐसे, यहां लग जाएगा आपका, तो ये हो गया ए वन ये टू ए थ्री, यहां पे बी वन बी टू बी थ्री और ये हो गया बी फोर। अब इसको क्या करना आपको, बी फोर को मिला दो ए थ्री से, अपने आप क्या हो जाएगा वो इस रेखाखंड को 3:4 में बांटने वाला है। इस बार भी आप कर सकते हो, ये दो तरीके होते हैं इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, दो किसी भी रेखाखंड को जो आपको अनुपात दिया उसमें बांट सकते हो। कई बार आपको सवाल ऐसे भी दिया हो सकता था कि आपको इस मान लो कि कहते कि ए बी पर कोई बिंदु है, मान लो वो बिंदु कौन सा है पी है, क्या है पी है, फिर आपसे कहते हैं कि अगर आपको कहते कि ए पी बराबर क्या है 4/5 ए बी है, ए पी बराबर क्या है 4/5 ए बी है, तो फिर आपको टेंशन नहीं है, आपको चाप क्या लगाना है नीचे जो होता है उसके हिसाब से लगाना है, जो बड़ा है उसके हिसाब से क्या करना आपको चाप लगाना है, बड़ा कौन है 5 तो 5 चाप लगाने थे। और फिर आप इसे नहीं समझ पे बता रहा हूं इसी तरीका, उसके बाद बता देता हूं कैसे आता है, यानी कि पहले यार बड़ा देखो बड़ा कौन है 5 तो आपने 5 चाप लगाने थे, फिर ऊपर कौन है उस पे वही कौन बनाते हैं जो कोण ने की अंतिम चाप पे बना होता है, लेकिन ना पहले 7 पे किया था उसके बाद 3 पे किया था, तो यहां पे क्या करेंगे 5 पर और यहां पे क्या आएगा 4 पे करना था। अब सोचो कैसे आया है ना, हमें अनुपात दिया 3:5 यहां ये ना देख ये दे दिया, अब उसने कहा कि ए बी पर रेखाखंड को बिंदु कौन सा है पी है, मतलब ये इसका और इसका अनुपात हमें दिया हुआ नहीं, हम निकाल भी सकते हैं इसका अनुपात, जैसे ए पी बराबर क्या हुआ 4/5, इसको हम क्या ले सकते हैं चलो 5 ले लिया, इसको ले सकते हैं ए पी प्लस है, क्या ले सकते हैं बी पी ले सकते हैं, सही। तो आप देखो ये हुआ 5 ए पी, ये इतना हो जाएगा 4 माइनस का इधर आ जाएगा ना, ये 4 ए पी और ये ए पी चला गया, यहां क्या बचा हमारे पास बी पी बचा,
फिर देखो यहां से कितना बचा हमारे पास, एपी बराबर चार बी पी, इसी के नीचे आ जाएगा, तो एपी बटा में क्या आया, बी पी बराबर क्या आएगा, चार बटा में एक, यानी कि आपके पास अनुपात क्या है, चार अनुपात एक आया। वही मैंने बोला था कि पहले क्या करते हैं, वही काम अनुपात और वही बड़े वाला होता है, वो हमने क्या चार लगा दिए थे। फिर पहले वाला अनुपात पे क्या करते हैं, सारा काम करते हैं, पहले वाला कौन सा चार, मैंने बोला था चार पे ही करना है आपको, ऊपर वाले को देख के, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो अब देखें वर्क पर स्पष्ट हो जाए, क्या चीज है वर्क पर स्पर्श कैसे कैसे, आपको कहा होगा कि 2.3.2 सेमी का एक त्रिज्या का एक वर्ग है, आपको यदि उसकी त्रिज्या कितनी है वर्ग की 3.2 सेमी है, इसका मतलब आप क्या करोगे, प्रकार खोलोगे 3.2 सेमी और क्या बना दोगे एक वर्ते बना दोगे, ठीक है। फिर कहेगा कि इस वर्ग पर, इस वर्ग पर क्या करो आप एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, स्पर्श रेखा की रचना करनी है। अब ये इतना बड़ा वृत्त है, कहीं भी ले सकते हैं, मान लो कि हमने क्या कर दिया, यहां बनाना चाहते हैं, यहां पर कोई बिंदु ले लिया P, यहां से बनाना चाहते हैं, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं। अब इस देखो इस बिंदु को मैंने क्या किया O से मिला दिया, ये तो क्या बन गई OP, एक त्रिज्या बन गई, OP क्या बन गई एक त्रिज्या बन गई है। अब हमें खींचनी इस पर स्पर्श रेखा, हमें मालूम है त्रिज्या और स्पर्श रेखा उन दोनों के बीच में कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है, इसलिए आप क्या करोगे यहां पे त्रिज्या पे क्या दो लंब खींचो, कौन से बिंदु पर P पर, लंब खींचने का स्टाइल वही होता है, प्रकार कैसे बोलोगे आप, क्योंकि बड़ा है तो चौक वाला प्रश्न बनते हैं, तो क्या करोगे आप, इस मान लो सपोज आपने इस चाप लगाया, फिर पहला ये बड़ा वाला, ये थोड़ा सा क्या करना आपको बड़ा लगाना है, यहां रखोगे और चाप आप इसे लगा दोगे, ठीक है, जहां भी ये कटे इन दोनों को क्या करो आपस में मिला देना ऐसे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, इसकी स्पर्श रेखा बन जाएगी। यहाँ पे आपने क्या कर दिया 90 डिग्री का कोण है बना दिया, प्रकार की सहायता से, जो कोण प्रकार की सहायता से बनते हैं उस प्रकार की सहायता से ही बनाया जाना चाहिए, ये रचना में होता है, पता नहीं क्यों नहीं है। क्या करना है आपको, पहले त्रिज्या खींचो और फिर त्रिज्या के समान करते हैं कि वृत्त पर एक वृद्धि पर क्या एक बिंदु लेते हैं, बिंदु को क्या करते हैं केंद्र से लगाते हैं, बिंदु था उस पर क्या खींच दो लंब खींच दो, वो लंब भी क्या होगा इस वर्ग के लिए क्या होगी स्पर्श रेखा होगी। अब ये तो क्या वर्ग की वृद्धि पर एक बिंदु था उस पर हमने क्या किया स्पर्श रेखा खींची। मान लो आपको सवाल ऐसे कह देता कि एक वर्ग है इसकी त्रिज्या कितनी है 2.3 सेमी, त्रिज्या कितनी है 2.3 सेमी, फिर क्या कि इस वर्ग के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर, किन सेमी की दूरी पर है 5 सेमी की दूरी पर एक बिंदु है, इसे मान लो आपने दिया कि ये तो हो गया हमारे पास क्या एक वर्त है, हो गया ऐसे, ये हो गया इसका केंद्र O दे दिया मैंने, उसने कहा कि 2.3 सेमी इसकी त्रिज्या है, ये मान लो यहां से लेके यहां तक कितनी है 2.3, अब वो कह रहा है कि इसके केंद्र से की दूरी पर 5 सेमी की दूरी, तो स्केल के आप यूं करोगे इसको बढ़ाते जाओगे, कहां तक बढ़ाओगे आप इसको 5 सेमी तक इसको बढ़ा दिया, ठीक है 5 सेमी तक बढ़ाओगे, वो कह दिया कि हाँ कोई बिंदु था पी, अब वो कहते कि वर्ग के पास स्थित कोई बिंदु से क्या करो इस वर्ग पर क्या करो स्पर्श रेखा खींचिए, इस वर्ग पर क्या खींचनी आपको स्पर्श रेखा, अब मैंने बता दिया तो उसने स्थिति बता दी कि बाहर बिंदु कहां है, कई बार ऐसे भी हो सकता है कहते कि इस वर्ग पर क्या करो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचो, भारे बिंदु की मान लो कि स्थिति नहीं बताई हुई है तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी बिंदु ले सकते हैं, यहाँ यहाँ छोटा मोटा कहीं भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तो दिया हुआ था केंद्र से दूरी कितनी है उसकी 5 सेमी, मैंने वही किया स्केल की सहायता से देख लिया यहाँ तक क्या बनता है 5 सेमी बनता है। अब इस बिंदु पी से हम वर्ग पर स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, आप क्या करोगे सबसे पहले ओ पी यानी केंद्र की केंद्र और उस बिंदु के बीच की दूरी का क्या करोगे लंब संधि बाचक करोगे, क्या करोगे लंब संधि बाचक, आप क्या करोगे लगभग इसके ना प्रकार खोलना की थोड़ा सा यानी कि इससे आधी से ज्यादा आधी से थोड़ी सी बड़ी प्रकार खोलोगे, यहां रखोगे मेरे क्या करोगे चार लगाओगे, यहां रखोगे और यहां भी क्या कर दो क्या लगा दिया चार,
आपने यहां रखा और दोनों तरफ क्या लगा दिया, चाप लगा दिया। फिर उतनी पदार्थ भरी में ना उसका चाप पहले यहां रखोगे, फिर यहां भी और नीचे भी लगाया। मान लो आपने क्या कि यहां चाप लगाया, दूसरा यहां लग गया, ऐसे आ जाएगा। ये दोनों चाप काटेंगे तो क्या करो उसको ऐसे डेस डेस से क्या करो उन दोनों को मिला दो। आपने मिला दिया, हमें पास क्या प्राप्त हुआ, ये वाला बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ये ओपी हम कर क्या रहे हैं, ओपी को व्यास मानकर एक वृत्त खींच रहे हैं। ओपी को व्यास मान के क्या खींच रहे हैं, एक वृत्त खींच रहे हैं। ओपी अगर मान लो कि आपको दे दे कि ये एक व्यास है, तो आप क्या करो इस पर वृत्त खींचो। तो सिंपल सी बात, हमें क्या निकालना पड़ेगा, केंद्र निकालना पड़ेगा। आप केंद्र कैसे निकालते हैं, अब बिल्कुल बीच बीच होता है, इसलिए वही काम किया है। ओपी का हमने क्या कर दिया, समद्विभाजक कर दिया, लंब समद्विभाजक होने की बात है। आपने समद्विभाजक कर दिया, उसके बाद क्या करोगे, ये हमारा केंद्र हो गया, तो ये त्रिज्या और ये भी क्या है, त्रिज्या है। आप प्रकार यहां रखोगे और क्या करोगे, घुमाओगे अपने आप क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। वही काम प्रकार चाहे इतनी खोल लो चाहे इतनी खोल लो, दोनों क्या है, सेम ही होगा, क्योंकि बिल्कुल बीच में है। आपने वही काम किया, बीच बीच यहां प्रकार रखी और इतनी प्रकार खोली, और आपने क्या किया, यहां पर क्या बना दोगे, एक वर्ग बना दोगे। वही काम मैं कर देता हूं, ऐसे आपका क्या बन जाएगा, एक वर्त बन जाएगा। क्या भाई हमारे पास वर्त बन जाएगा। अब जो अभी हमने वृत्त खींचा है, वो पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रहा है, एक यहां काट रहा है और एक यहां काट रहा है। इसको नाम दिया मैंने ए, इसको नाम दिया मैंने बी दे दिया। अब ए और बी को क्या करो, पी से मिला दो। ए और बी को किससे मिला दो, पी से मिला दो। ऐसे तो ये हमारे दोनों क्या होंगे, इसकी स्पर्श रेखा होंगी। हम कैसे मान लेंगे स्पर्श रेखा है, इसे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखो हमें मालूम है कि अगर ये स्पर्श रेखा है इसकी और ये क्या है इसकी त्रिज्या है, तो ये कोण कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, सही है ना। आप देखो ध्यान से इस वाले वृत्त को देखो जो हमने डैश से बना रखा है, डैश से ये तो क्या हुआ इसका व्यास। इस व्यास द्वारा परिधि बना कोण, मतलब आधे वृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोणीय होता है। ये क्या हो गया अपने आप ही 90 डिग्री हो गया। इस प्रकार क्या कर सकते हो आप, एक वर्ग पर भारे बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। फिर देखें, फिर आपको ऐसे भी कह सकते हैं सवाल में एक वर्ग है, इस मान लो कि दिया कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वर्ग है, उस पर एक जीवा है, आपको कह दिया कि वो जीवा कितनी है, 4.1 सेमी की है। अब उस जीवा के दोनों सिरों पर क्या करो आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। फिर सवाल बोल रहा हूं कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेमी, त्रिज्या तुम्हारे में दी हुई 3 सेमी, और कहा कि उस पर एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है, 4.1 सेमी है। तो कहा कि इस जीवा के दोनों सिरों पर क्या करो स्पर्श रेखाएं खींची। तो देखो फिर पहले बनाते हैं 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना देते, ये बना दिया आपने। इसका केंद्र क्या हुआ, हमारे पास हो गया ओ। ठीक है, ये केंद्र ओ है। फिर उसने कहा कि आपको क्या करना है कि जीवा लेनी है जिसकी लंबाई कितनी है, 4.1 सेमी। तो आप क्या करो प्रकार खोलो 4.1 सेमी, खोल के किसी भी बिंदु पर, नहीं भी रखो प्रकार के वृत्त की बिंदु पर, मान लो मैंने यहां रख दिया ना वृत्त की बिंदु पर, है ना, चाहो आप यहां रख सकते हो, ऐसा नहीं है। आपने यहां रखी प्रकार और यहां बना दे दिया मैंने इसको बिंदु दे दिया, 4.1 सेमी खोल रखी थी आपने यहां रखा, और उसके बाद क्या किया आपने चाप लगाया, वो मान लो ऐसे चाप लग गया। ये हो गया आपके पास ऐसे जीवा, इसकी लंबाई कितनी है, 4.1 सेमी। अब इसके दोनों सिरों पर सीधे कौन है, इसके पी और क्यू, इन दोनों पर क्या खींचनी आपको, स्पष्ट रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करोगे आपको, त्रिज्याओं की जरूरत है, त्रिज्या होगी, त्रिज्या में क्या बनाएंगे लंब, तो अपने आप क्या बन जाएगी वो स्पर्श रेखा बन जाएगी। वही काम मैंने क्या किया, ओ को मिलाया पी और साथ में मिलाया मैंने क्यू से। ये ओपी और ओक्यू क्या है, दोनों त्रिज्या है। अब आपको क्या करना है, पी और क्यू पर खींचनी है स्पर्श रेखा। तो वही काम क्या करोगे, प्रकार खोलनी है आपको, और प्रकार खोल के क्या करोगे, चाप लगाओगे, यानी नब्बे डिग्री कोण बनाना, क्यू पे बनाते हैं पहला चाप पहला, और ये वाला क्या लगाना आपको, बड़ा लगाना होता है ना, ये मान लो आपके पास ऐसा है,
कि वहां पे इसी प्रकार खोले हुए थे चाप लगा रहे थे, वो यहाँ रखा आपने क्या के यहाँ पे चाप हो जाए और यहाँ भी चाप कटेगा उसको मिलाएंगे इसके साथ मिला देंगे इसे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी स्पर्श रेखा आ जाएगी, ये बन के हमारे पास है स्पर्श रेखा बिंदु क्यू। इसी प्रकार क्या करोगे आपको ओ पी पर भी तेजा पर भी क्या बनाना आपको लंब बनाना है, वापिस वही काम क्या करोगे आप प्रकार खोलोगे थोड़ी सी और क्या करोगे चापे लगाओगे पहला दूसरा और ये वाला बड़ा लगाना है आपको ना ऐसे आपके पास आ जाएगा, वापिस यहां से क्या करोगे लघु प्रकार और यहां से लगा दिया आपने चाप, ये अपने आप क्या बन जाएगा आपके पास है ऐसे बन जाएगा स्पर्श रेखा, ठीक है, यानी कि ओ पी और ओ क्यू दोनों पर क्या कीजिए आपने लंब खींच दिया, ये अपने आप क्या बन जाएगी दोनों इसकी स्पर्श रेखा बन जाएगी। इस प्रकार हमने क्या किया जीवा के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींच दी है। फिर देखें सवाल हमारा ऐसा भी हो सकता था, जैसे कह दिया कि एक वर्त है कच्चा चक्र बनाता है कि एक वर्त है इसका केंद्र क्या है ओ, फिर क्या हुआ कि इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं कौन कौन सी है ए नाम ले दिया उसने ए पी और ए बी पी और ओ ए और ओ बी का आपको बीच का कोण दिया होगा, मान लो इसको दे दिया आपको 120 डिग्री का कोण है दे दिया, फिर कहा कि तो फिर आपको करना है ए पी और ए बी पी की रचना कीजिए, ठीक है आप कैसे करेंगे इसको देखो वही काम आपको त्रिज्या दी होगी, मान लो त्रिज्या दी आपको 2.5 2.5 सेमी आपकी बार क्या त्रिज्याओं के बीच का कोण दिया हुआ है, तो क्या करेंगे पहले 2.5 सेमी एक त्रिज्या का एक वर्त बना दिया, फिर क्या करोगे ये आपके पास यहां पर आ रखे थे वहां पर केंद्र आ जाएगा नाम दिया उसको मान लो ओ दे दिया, फिर एक बिंदु ले लो आप यहां पर ये मान लो मैंने बिंदु ले लिया मान लो सपोज करो ये नहीं ले लिया इसको नाम दिया मैंने ए, ए को मिलाया ओ के साथ ओ को मिलाया ए के साथ ये हमारे पास अच्छे हुए, फिर क्या करना आपको कि ओ बी निकालना है, क्या निकालना है ओ बी ओ ए और ओ बी के बीच का कोण कितना है 120 डिग्री का, तो वही काम आपको क्या करना है 120 डिग्री का कोण रहना पड़ेगा, तो आप प्रकार रखोगे और जल्दी चाहो खोल सकते हो ऐसे करोगे आप यहां पे चाप लगाओगे फिर पहला चाप ये दूसरा चाप दूसरा चाप क्या होगा 120 डिग्री का होगा क्योंकि मार्कर घट जाता है उंगलियों से, तो दूसरे चाप पे क्या किया आपने ओ को इसे मिला दिया, ये हमारे पास क्या आ गया बिंदु बी आ गया ए बी आ गया और बी भी आ चुका है और इनके बीच का कोण क्या है हमारे पास 120 डिग्री, अब बनाते हैं ए पी और बी पी, तो क्या करेंगे अब ये दोनों त्रिज्याएं हैं त्रिज्या पे क्या खींचोगे लंब खींचोगे लंब खींचते हमारे पास क्या आ जाएगा दोनों स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी, तो वही काम किया यहाँ पे वही काम मैंने प्रकार खोली थोड़ी सी और ये चाप लगाया पहला चाप फिर उसके बाद दूसरा बड़े वाला फिर यहाँ रखेंगे वापिस यहाँ पे चाप लगाएंगे ये अपने आप क्या करेंगे इन दोनों का आपस में मिला देना है ये आपस में क्या हुआ मिल गया ठीक है इसको आगे फिर वही काम क्या करेंगे इसमें भी आपको क्या बनाना है 90 डिग्री का कोण बनाना है वही काम आप क्या करोगे चाप लगाओगे यहाँ प्रकार खोलने से फिर पहला चाप फिर दूसरा चाप बढ़ा यहाँ रखोगे प्रकार वापिस यहाँ पे चाप लगाओगे और इसको क्या करोगे आप इसमें मिला दोगे ये बिंदु कौन सा आ जाएगा हमारे पास से पी आ जाएगा बस ये काम किया ए और बी पर क्या बना दिया त्रिज्या पर लंब खींच दिया हमने जहां भी काटेंगे अपने आप चित्र पूरा हो जाएगा ऐसे ही सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है इसे अब की बात क्या अब की बात सवाल में क्या होगा कि आपको वर्त की त्रिज्या दी होगी वर्त की त्रिज्या होगी और आप क्या करोगे इसमें एक ऐसे मान लो अपनी मर्जी से क्या किया आपने वर्त खींच लिया ये हमारा कच्चा चक्र बना रहा हूं एक बार में ठीक है इसका केंद्र मान लो क्या हुआ ओ हो गया फिर उसके बाद एक बार आपको कह रहे कि इसे मान लो इसकी त्रिज्या दी आपको 3 सेमी त्रिज्या के एक वर्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो परस्पर 70 डिग्री के कोण पर चुकी है कोई भी कोण दे सकता 40-50 कुछ भी हो सकता है हमें दिया कि वो दोनों स्पर्श रेखाएं
परस्पर कितने कोण पर झुकी है, 70 डिग्री पर, मतलब उन दोनों के बीच का कोण कितना क्या है, 70 डिग्री है। कच्चा जल बनाते मान लो आपके पास क्या होगी, दो स्पर्श रेखाएं होंगी, नाम दिया P। हमें कहा हुआ है कि इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया P, ये आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। तो वो कह रहा है कि इस प्रकार आपके दो स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। कैसे करें इसको आप देखिए ध्यान से, आप सबसे पहले क्या करोगे, 3 सेमी प्रकार खोलोगे और क्या बना दोगे, एक वर्त बना दोगे। ये वर्त बना दिया, ये हो गया आपके पास क्या, केंद्र हो गया मान लो ओ हो गया। फिर अब उसके बाद देखो, हम जो पहले सवाल किया था सेम प्रश्न ऐसे और ऐसे, आप ओ ए खींच भी लोगे मान लो, सपोज करो आपने क्या किया, ओ ए खींच लिया ऐसे ऐसे, इसको नाम दिया ए। अब देखो क्या कर रहा है, 70 डिग्री बनाना है पी पर, पी बिंदु तो हमारे पास है, आप ए पी तो खींच सकते हैं। मान लो आपने मान सोचोगे पता नहीं कैसे करेंगे, ए पी यहां पे आपने लंब खींच दिया ऐसे, खींच दिया। अब उसके बाद क्या करें, फिर हो गई क्योंकि पी बिंदु कहां ले, इतनी बड़ी हम लंब खींचेंगे यहां पे, पी कहां पे ले पता ही नहीं है। अब उसकी समस्या को क्या करोगे, देखो पहले वाला सवाल किया था उस जैसा बना लो उसको, कैसे बनाएंगे, देखो ये क्या है, वो है त्रिज्या, त्रिज्या क्या करेगी, स्पर्श रेखा पर लंब बनाएगी, वही काम ये भी त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा पर क्या बनाएगी, लंब बनाएगी। इसका मतलब ये 70, ये 90 और ये भी 90, आपके पास तीन कोण तो है। तो देखो ध्यान से चतुर्भुज कौन सा, ए ओ बी पी में कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण B प्लस कौन P बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। कारण क्या देखो, ये चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब कोण A का मान 90, अब उसे बदल सकते थे, कोण A बराबर कोण क्या है आपको B बराबर क्या है 90 डिग्री। कारण क्या देखोगे, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, ये भी 90 और यहां लिखना था ओ, हमें मालूम करना है इसका मान कितना है 90, ये पी हमें दिया हुआ 70 बराबर 360। अब देखो ध्यान से, ये क्या हुआ, कोण ओ प्लस 200 कितना हो गया 50 बराबर में 360 डिग्री। कोण ओ बराबर क्या हुआ, 360 माइनस 250, तो कोण ओ बराबर कितना आ गया आपके पास, 110 डिग्री आ गया, मतलब कोण ओ का मान कितना हमारे पास 110 डिग्री है। अब ये कोण आ चुका है, वही सवाल सेम का सेम बन गया पहले वाला, ये आपको किसमें लिखना होता है, रचना में लिखना होता है। तो वही काम किया हमने, पहले तो क्या करेंगे, यहां पे 110 डिग्री का प्रकार की सहायता से नहीं बनेगा, तो किससे बनाएंगे हम, चांदे की सहायता से, चांदे की सहायता से आप क्या करोगे, यहां पर कारक होगी ऐसे देखोगे आप 110 कहां पे बनता है, उस प्रकार से आप क्या कर, आपने इसे खींच दिया, खींचोगे तो ये यहां भी वृद्धि उपाट है, उसको नाम दे दो आप बी ले लो, और ये क्या हो गया आपके पास 110 डिग्री का कोण है, ठीक है, 110 डिग्री का कोण आपके पास हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, वही काम सेम का सेम, स्पर्श रेखा खींचनी है एपी और एबीपी, कैसे खींचेंगे, ये हमारे दोनों त्रिज्याएं और ये क्या करोगे आप, जो वर्त की परिधि पर बिंदु स्थित है उस पर क्या खींचोगे, लंब खींचेंगे, लंब कैसे खींचोगे, आप क्या करोगे यहाँ पे लगाओगे चाप, ये पहला ये हो गया हमारे पास, ये दूसरा था बड़ा चाप, फिर यहां से प्रकार रखोगे और क्या लगोगे, उसी प्रकार जनिक को रखिएगा दोनों का, क्या करोगे इसके बाद इसको मिला दोगे, इसे जब आप इसको इससे मिलाएंगे तो आपको रेखा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब वही काम क्या करोगे, बिंदु बी पे करते हैं, जब बिंदु बी पे करेंगे वही काम, चाप लगाओगे यहां रखे प्रकार से, पहला चाप ये होगा, दूसरा बड़े वाला यहां से रखिए आप चाप लगाओगे ऐसे हो जाएगा, तो इसको भी क्या करोगे आप इसे मिला दोगे, तो ये भी क्या हुआ लंब खींचा आपने, ये भी क्या खींचा आपने लंब खींचा, अपने आप ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री का बनने वाला है। आपने क्या कर दिया, ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींच ली जिनके मध्य का कोण कैसे थे, उनके बीच का झुकाव कितना है 70 डिग्री का है।